साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे एनटीपीसी सीबी टू एग्जाम पहले होगा या ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा, और दूसरा मैं आपको तीन सॉलिड पॉइंट्स देने वाला हूं कि एनटीपीसी का एग्जाम होने पहले होगा, क्यों होगा, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। और दूसरा मैं बताऊंगा कि ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा और एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो कट ऑफ कितने के मार्क घट सकती है। जैसे सभी को पता है, जैसे एक पोस्ट के लिए चार बंदा, एक जो स्टूडेंट है चार लोगों की पोस्ट लेके बैठा था, तो उससे मार्क तो इंक्रीज डिक्रीज हो गई, मतलब घटेंगे, स्कोर घटेगा, तो और एग्जाम कब तक होगा, ठीक है, कब तक संभावना है एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है, ठीक है साथियों। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि ग्रुप डी एनटीपीसी जो है उसका एग्जाम कौन सी कंपनी ले रही है, TCS, ठीक है साथियों। और ग्रुप डी का एग्जाम ये NSEIT कंपनी ले रही है, NSEIT कंपनी ले रही है ग्रुप डी का एग्जाम। अब मैं आपको तीन पॉइंट्स में बताऊंगा कि NTPC CB2 का एग्जाम पहले क्यों होगा। तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा, 4 मार्च को जो 16 सदस्यों की कमेटी बनी थी वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब वो रिपोर्ट ये साबित करेगी कि वो छात्रों के पक्ष में रिपोर्ट करती है या विपक्ष में रिपोर्ट करती है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कब तक होगा। अगर पक्ष में करती है तो जल्दी हो जाएगा, अगर विपक्ष में करती है तो एग्जाम लेट होगा। लेकिन मैं और तीन सॉलिड पॉइंट बताना चाहता हूं कि एनटीपीसी का एग्जाम जल्दी खत्म क्यों होगा। तो दोस्तों एनटीपीसी का एग्जाम, देखो पहला पॉइंट है, एनटीपीसी का एग्जाम जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें कम बच्चे हैं एनटीपीसी में। और जैसा 2019 में नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भी बताया था कि एग्जाम ये 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर अब की बात करें तो ये अगर ज्यादा कोविड 19 गाइडलाइन की वजह से कहेंगे तो लगभग ये 8-10 दिन मान लेते, इतने दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगर वही ग्रुप डी की बात करें तो उसमें ज्यादा स्टूडेंट है, उसमें का टाइम लगेगा। तो एक पहला चांस ये हो गया। दूसरा चांस ये है कि देखो एनटीपीसी CB2 जो होगा हो, उसकी भर्ती 2016 के बाद, क्या 2016 के बाद अब आई है, और ग्रुप डी की जो भर्ती है इसके पहले भी आ चुकी है, 2018 में भी ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, तो वहां इंप्लॉई भी कम हो सकते हैं। और इसमें देखो अगर ये ग्रुप डी का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं जल्दी करा रहे हैं क्योंकि इसमें देखो कुछ में तो टाइपिंग भी होगी। तीसरे पॉइंट में हम बात कर लेते हैं, देखो पहला दूसरा पॉइंट हो गया कि 2016 के बाद अब आ रही है एनटीपीसी का एग्जाम होगा, ठीक है, और उसके पहले ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका, भर्ती भी हो चुकी है, ठीक है साथियों। तीसरा पॉइंट है एनटीपीसी का जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा चलता है, ठीक है साथियों, काफी उसमें कुछ में पोस्टों में तो टाइपिंग भी होती है, कुछ में टाइपिंग भी होती है, कुछ साइको भी होता है, साइको टेस्ट भी होता है, तो उसका प्रोसेस काफी लंबा खिंचनेगा अगर जल्दी एग्जाम नहीं कराएंगे। जैसा आप सभी को पता होगा रेल मंत्री ने कहा था कि आपकी जून या जुलाई में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो अगर मैंने बताया कि टाइम लंबा खिंचेगा, इसी कारण तीन कारण, ये तीन पॉइंट है कि एनटीपीसी का एग्जाम पहले होगा, ठीक है साथियों। अब ओके ये भी समझ लो एक बात, और आप नॉर्मल सी बात है, 2016 के बाद अब एनटीपीसी की भर्ती है और उसके पहले ग्रुप डी की एक भर्ती हो चुकी है और दोबारा ये होनी है, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, ठीक है साथियों। तो जनरल की बात करें तो ग्रुप डी की कट ऑफ रह सकती है 60+, वही ओबीसी की बात करें तो रह सकती है कट ऑफ 55+, अगर बात करें एससी की तो 50+, बात करें एसटी की तो 45+, और बात करें पीडब्ल्यूडी की तो 40+, अगर बात करें मैं ईडब्ल्यूएस की तो 50+, ठीक है साथियों 50+ हो सकती है। अब बात करें एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो साथियों एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जो है वो 100% आएगा, क्या 100% आएगा, और कितना क्या मार्क बढ़ने वाले हैं आपके सभी लोग, जैसे कितने देखो एक बंदा चार की पोस्ट है, मतलब स्कोर इसका कट ऑफ कम होगा, तो कितने मार्क तक कम हो सकता है, तो मेरी जहां तक उम्मीद है कुछ तो कह रहे हैं 15-20, तो 15-20 तो बिल्कुल नहीं साथियों, 5 से 10 या 5 से 8 के बीच में आपके मार्क जो है स्कोर कट ऑफ उसका घट सकता है, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं आखिर एग्जाम कब तक होगा, क्या आखिर एग्जाम कब तक होगा, तो साथियों एग्जाम जो है आपका ये हो सकता है, कुछ कह रहे कि जैसे मार्च में, अगर मार्च में होने को तो हो सकता है कुछ भी, लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि ये आपको 4 मार्च को जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि अगर फैसला देखो छात्रों के पक्ष में होता है तो ये जल्दी एग्जाम शुरू हो जाएगा, अगर विपक्ष में होता है फैसला, विरोध में होता है तो एग्जाम लेट होगा, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं देखो एनटीपीसी का एग्जाम, और एक पॉइंट बताऊं क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा उसमें 4 से 5 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, अगर वही ग्रुप डी की बात करें तो 1 करोड़ लगभग स्टूडेंट बैठेंगे, क्या 1 करोड़ लगभग स्टूडेंट बैठेंगे। और दोस्तों अब कुछ साथी ये भी कहते हैं कि क्योंकि देखो एनटीपीसी का एग्जाम टीसीएस करा रही तो इसकी दोनों कंपनियां अलग अलग है, ठीक है साथियों, तो एक साथ एग्जाम हो सकता है,
हाँ हो भी सकता है, लेकिन अगर हम इसके रेलवे के पिछले रिकॉर्ड को एनालिसिस करते हैं तो रेलवे के ग्रुप जो रेलवे विभाग है ये कभी एक साथ दो एग्जाम नहीं कराता। हालांकि कंपनियां अलग अलग हैं लेकिन एक साथ एग्जाम नहीं कराता है। ठीक है साथियों, तो साथियों जानकारी अच्छी लगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के जानकारी के साथ।